सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट पर मैं हूं आपके साथ सपना श्री। शुरू हो गया है नवरात्र का मौसम, यानी कि माँ के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना का दिन। जी हाँ, माँ के नौ स्वरूप, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि व आठवीं महागौरी है। जी हाँ, माँ के इन्हीं नौ स्वरूपों की हम करते हैं पूजा अर्चना इन नवरात्र में। लेकिन नवरात्रों में कुछ खास बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। यानी पहले दिन की हम शुरुआत करते हैं कलश स्थापना के साथ। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:16 से लेकर 7:40 तक। लेकिन यदि आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाए हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में आपको स्थापना करनी चाहिए। इस बार 11:48 से लेकर 12:40 तक रहेगा यही अभिजीत मुहूर्त, जिस समय में किसी भी कार्य की यदि आप शुरुआत करते हैं तो आपको कई गुना सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कलश स्थापना करते समय कुछ बातों का रखिएगा खास ध्यान, यानी कि कलश आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ही स्थापित करना चाहिए। देवी प्रतिमा के सामने सदैव आसन बिछाकर बैठकर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन कैसे करें आप कलश की स्थापना? एक स्वच्छ जगह में आपको मिट्टी में 7 अनाज रखने चाहिए, उसके ऊपर कलश रखना चाहिए। लेकिन कलश या तो आप मिट्टी का चुन सकते हैं या फिर किसी धातु से बना हुआ अपनी श्रद्धा के अनुसार। इसमें गंगा जल भरकर साथ में रोली, अक्षत, चावल, सुपारी, लौंग, ये सब आपको कलश के अंदर गंगा जल के साथ रखना चाहिए। कलश के ऊपर आपको पंच पल्लव यानी कि आम के 5 पत्ते रखने चाहिए कलश के मुख पर। लेकिन कलश के इस मुख को कभी भी हम खुला नहीं छोड़ते हैं, उसके ऊपर आपको एक ढक्कन ज़रूर रखना चाहिए। इसके ऊपर आपको नारियल रखना चाहिए जिसे आप भेंट भी कहते हैं। तो पहले नवरात्र के दिन इसी नारियल पर लाल रंग की चुनरी बांधिए, लौंग का जोड़ा रखिए, सिंगार का सभी सामान रखिए जो आपको देवी को अर्पित करना है। कहते हैं कि नवरात्र के व्रत यानी नवरात्रि, जब आप 9 रातों तक देवी की पूजा उपासना करते हैं, इस समय में आपको अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए। लेकिन यदि आप अपने डेली रूटीन में बिजी रहते हैं और ज्योत नहीं प्रज्वलित कर सकते अखंड, तो फिर आपको प्रतिदिन देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन दीपक में उर्दगामी बाती होती है, लेटी हुई बाती नहीं। साथ साथ अगली चीज़ जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है वो ये, प्रतिदिन आपको देवी को भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब आपने एक मेहमान को अपने घर तो बुला लिया, देवी को आपने 9 दिनों के लिए अपने घर में स्थापित तो किया, किंतु आप उन्हें भोग अर्पित नहीं करते तो वो ठीक नहीं है। इसलिए प्रतिदिन घर में बनने वाले भोजन जो कि पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन का आपको प्रयोग करना है, उस भोजन का पहला हिस्सा आपको देवी को देना चाहिए। इसके बाद आप यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको लौंग का जोड़ा और बताशे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साथ साथ प्रतिदिन प्रातः अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए और फिर वही प्रसाद जो आपने देवी को भोग स्वरूप अर्पित किया है, घर के सभी लोगों को उसको ग्रहण करना चाहिए। लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताती रहूंगी नवदुर्गा की पूजा से जुड़ी हुई कुछ खास अहम जानकारियाँ। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।